नमस्कार, हिंदुस्तान एकेएम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हमदर्द कंपनी के मरम दाख्यून के बारे में। ये जो मरम दाख्यून है हमदर्द कंपनी का है। बात करें इसके कंपोजिशन की, इसमें जो इंग्रेडिएंट डलते हैं वो है इसबगोल मसलम है, तुखम खतमी है, तुखम कनोचा है, तुखम मेथी है। इसके अलावा इसमें मुर्दर संग है, रोगन अरंडी है, रोगन कुंजाद है और मोम है। इस तरह के इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। बात करें इसकी एमआरपी की, तो जो 50 ग्राम का ये जो मरम है हमदर्द कंपनी का, ये 65 रुपये की एमआरपी मिलता है। ये महिलाओं के योनि के अंदर जो परेशानी होती है उसमें लगाने में काम आता है। तो आपको मैं इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ। ऐसा अंदर आपको यहाँ पर इसके अंदर ट्यूब मिल जाता है, साथ में आपको एक इसके साथ पेपर मिल जाता है। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस मरम के बारे में मिल जाती है और केसेस का उपयोग करना है वो भी इसमें आपको मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि मरम दाख्यून किस किस प्रकार की समस्याओं में काम में लिया जाता है, इसका उपयोग कैसे करना और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो जो हमदर्द कंपनी का मरम दाख्यून है, ये महिलाओं की जो योनि की समस्याएं होती है उसमें काम में लिया जाता है। ये गर्भाशय की सूजन और शक्ति को दूर करता है, ग्रंथियों के अंदर होने वाले गांठ रसोल को गलाकर फ़ायदा पहुंचाता है। इसके साथ ही जो मरम है ये योनि के अंदर किसी भी अगर आपको यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है या अगर आपको यहाँ पे वाइट पानी की डिस्चार्ज के कारण अगर अंदर आपको जख्म हो गया है तो उस जख्म में भी आपको आराम पहुंचाता है। अगर आपको योनि में किसी भी अगर जख्म या किसी भी अगर समस्या है तो इस मरम के लगाने से आराम हो जाता है। साथ ही जो अंदर गर्भाशय के अंदर सूजन शक्ति होती है और जो रसोली की परेशानी होती है, रसोली की परेशानी में भी काम करता है। तो अगर आपको यहाँ पे योनि में किसी भी अगर इन्फेक्शन या किसी भी की समस्या है तो मरम दाख्यून इसके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर योनि में नाखून से घाव बढ़ जाता है या किसी कारण से कट लग जाता है तो इस पर भी लगाने से आराम मिलता है। तो ये जो मरम दाख्यून है इसका जो उपयोग है वो कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो इसमें जो मरम का जो उपयोग है वो 5 ग्राम मरम आपको यहाँ पे अरके मको के साथ इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अरके मको नहीं है तो आपको जो 5 ग्राम मरम है वो रुई की मदद से योनि के अंदर और बाहर दोनों तरफ हल्के हाथ से लगाना है। तो इस जो इस ट्यूब का जो इस्तेमाल है, मरम का इस्तेमाल है, वो 5 ग्राम मरम आपको यहाँ पे रुई में डाल के और आपको योनि में लगाना है। इसका जो इस्तेमाल है वो दिन में 2 बार करना है, सुबह में और रात को सोते वक्त। तो इसकी जो ये इसका इस्तेमाल है वो दिन में 2 बार करना है आपको, सुबह में और रात में। तो इसकी बात करते हैं इसके परहेज की, तो परहेज के तौर पे आपको यहाँ पे इसके साथ में तेज मिर्च मसाले, खट्टी चीज़ें और तेल वाली चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें और तेज मिर्च मसाले चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक होती है। इस प्रकार की चीज़ों का आपको परहेज करना है। और ये जो मरम है ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है या आपको ऑनलाइन मिल जाता है, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा के इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस दवाई के बारे में, किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी दवाई के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो या किसी भी समस्या के बारे में अगर आपको बात करनी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, तो आप मुझे बात करके हर सवाल जवाब मुझसे ले सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।